हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स इन लास्ट क्लास वी हैव स्टडी डेट हाउ द लिविंग बींग्स आर इंटर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर सो टुडे वी हैव आवर न्यू टॉपिक दैट इज कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स ओके सो डिपेंडिंग ऑन द रोल कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग कंपोनेंट्स के बारे में अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ऑल और अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ये हमें मोटिवेट करता है ताकि नए वीडियो इसी तरह लाते रहें ओके okay. सो so, उनके जो रोल हैं उनकी जो भूमिका है और वे जो भूमिका अदा करते हैं हमारे पर्यावरण के लिए उसके आधार पर इन लिविंग कंपोनेंट्स का कैटेगराइजेशन होता है और कौन कौन से मेन कैटेगराइजेशन है तो वह है प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स

और ये प्रोड्यूसर्स हैं प्रोड्यूस करते हैं और इनके और इनके द्वारा जो स्टोर किए गए जो फूड है वो हम लोग अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं चपाती खाते हैं पूरी खाते हैं हलवा खाते हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ चीज़ें हम लोग कंज्यूम करते हैं तो ये प्रोड्यूसर अपने भोजन को खुद ही बनाते हैं और जैसे कि डिफरेंट टाइप्स के फूड के कुछ आइटम्स हैं ओके पटैटो Modified stem and onion. Okay, so we have onion, lemon, and tomato, and fruits, apple. So what we are getting from producers, they are producing food, and we are consuming. Okay, for, so for the food, we are dependent on the uh, in the producer so we consume every day all such kinds of eatable items but do we know how these plants and uh, trees they are producing the food for us so today we will study in detail so this green plants prepare their food by the process of photosynthesis and the color looks like green okay that is because of the pigment called chlorophyll okay and द ग्रीन कलर दैट इज़ क्लोरोफिल इट हेल्प्स टू ट्रैप द सनलाइट फॉर द फोटो सिंथिस प्रोसेस एक क्लोरोफिल जो पिगमेंट जो कलर है पतियों में पाया जाता है इसी की हेल्प से ये मदद करता है कि पत्तियाँ सूरज की जो रोशनी है उसकी गर्मी है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए उसको ऑब्जर्व करें कंज्यूम करें उस ठीक है और कि, आ, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट लिव्स आर प्रिपेयरिंग फूड फॉर द प्लांट्स लीव इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन लिव्स किचन ऑफ द प्लांट ओके सम प्लांट्स इट इंसेक्ट्स टू गेट मोस्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स एंड दे आर कॉल्ड इंसेक्टिस् प्लांट कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिन जिन्हें उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है जमीन में मैन्यूअर की मात्रा फर्टिलाइजर की मात्रा कम होती है तो वे प्रोटीन आ, किसी इंसेक्ट से ग्रहण करते हैं और वे इंसेक्ट को अपने भोजन के रूप में लेते हैं नॉर्मल जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो होता ही है बट उसके साथ साथ वे इंसेक्ट को भी खाते हैं दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवरस प्लांट ओके नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कंज्यूमर्स वाई दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर फॉर देयर फूड आर कॉल कंज्यूमर्स फॉर एग्जाम्पल वी ह्यूमन बींग्स एनिमल्स सो so, हम लोग किसका एग्जाम्पल है कंज्यूमर्स है बिकॉज हम लोग इन सारे चीज़ों को कंज्यूम करते हैं ठीक है फ्रूट्स लेते हैं वेजिटेबल्स लेते हैं ओके लेमन विटामिन सी लेते हैं और इन सभी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं ओके okay, खाते हैं और हम जिंदा रहते हैं सो फर्दर इन कंज्यूमर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन होता है हर ओरस ओरस एंड ओमनी ओरस ऑल राइट सो हर्बी ओरस जो हर्ब्स खाते हैं ओके जो फ्रूट्स खाते हैं वेजिटेबल्स खाते हैं ग्रास खाते हैं वे लोग हर्बी ओरस हैं ठीक है ओरस सो एनिमल्स दैट इज ओनली प्लांट्स एंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर कॉल हर्बी ओरस ठीक है शाकाहारी साग सब्जी खाने वाले ऑल राइट एनिमल्स लाइक जिराफ इट लिवस एंड फ्रूट्स काउस गोड्स शीप्स डियव ओके फीड ऑन ग्रास और घास चरते हैं सो so, इन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं ठीक है प्रथम उपभोक्ता नेक्स्ट वी विल स्टडी कार्नी ओरस सो आप इन लाइन महाराज को तो देख ही रहे होंगे ओके शेर अपने दादागिरी हमेशा दिखाते रहते हैं ओके काऊ माता कितनी सुशील शांत घास चरती और ये चुपचाप जाके इन पे अटैक कर देते हैं

कुछ कारनी मांसाहारी होते हैं ओरस के मांस मतलब ओरस लाइक काऊ पे अटैक करेंगे डियर पे अटैक करेंगे लेकिन कुछ जो है जैसे लायन वगैरह है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो ओरस हो अ ओरस हो ठीक है वो किसी को भी खा सकता है मांसाहारी जंतुओं को ही खा सकता है ठीक है क्रोकोडाइल टाइ टाइगर लायन स्नेक्स इट नेक्स्ट ओमनी सो एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल ओमनी सर्वहारी सब चीज का आहार सभी सबका आहार ग्रहण करने वाले को ओमनी सर्वहारी बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स बियर्स कैट्स क्रोस कौवा को तो देखा होगा कैट्स को तो देखा जो मिलता है सो खा लेगी कैट ओके वो मांसाहारी हो शाकाहारी सब कुछ कार्नी ओरस एंड ओमनी ओरसल ऑल्सो कॉल्ड सेकेंड्री कंज्यूमर्स तो प्राइमरी हो गए हरबीओरस क्योंकि वहीं खाते हैं घास वगैरह और उनके बाद लायन उनका शिकार करता है तो ये हो गए सेकेंड्री और ओमनी ये दोनों हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर्स ऑल राइट उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे स्केवेंजर्स की ओके स्केवेंजर्स बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे एन्वायरमेंट के लिए ओके इसको तो आपने देखा ही होगा पिक्चर्स में क्योंकि अभी तो ए, इनको देखना बहुत ही मुश्किल हो गया है बिकॉज ऑफ हमारे ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ही क्योंकि हम लोग इतने पॉइजन का जो अपने आम, फसलों को बचाने के लिए इतने पॉइन का इस्तेमाल इतने फर्टिलाइज़र जो यूज़ कर रहे हैं उनको खाने के बाद और उन जी ये क्या होते हैं मांसाहारी जीव जंतु तो खाते हैं जो चिड़िया उनको खाती हैं तो बीमार पड़ जाती है और उन चिड़ियों को उन भेड़ बकरियों या गायों को जो खाते हैं उनके मृत शरीर को जो खाते हैं तो ये भी बीमार पड़ जा रहे हैं इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और इनकी ब्रीडिंग नहीं हो पा रही इनमें दूसरे इनके बच्चे रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो इस तरह जो बूढ़े माने जो एडल्ट हैं वे मरते जा रहे हैं तो छोटे बच्चों का प्रोडक्शन कैसा होगा तो इस तरह इनकी प्रजाति एक्सटिंक्ट इनडेंजर स्पीसीस में आ गए हैं ये वोल्चर आइए हम पढ़ें कि हाउ डू दे हेल्प अस ओके सो एनिमल्स दैट फीड ऑन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल एस्केवेंजर्स उन्हें एस्केवेंजर्स बोला जाता है एस्केवेंजर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू क्लीन द एन्वायरमेंट हमारे हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में उसको साफ रखने में हमारा जो एस्केवेंजर्स है बहुत बहुत हेल्पफुल होता है सम कॉमन स्केवेंजर्स आर वॉल्चर टर्मिट ओके अर्थ होम्स एंड स्नेल्स वल्चर्स फीड ऑन डेड एनिमल्स वेर आर टर्मिट्स फीड ऑन डेड प्लांट्स ओके और इस तरह हमारे पर्यावरण की सफाई करते हैं नेक्स्ट वी विल स्टडी द डीकम्पोज ओके सो माइक्रो ऑर्गेनिजम सच एज बैक्टीरिया फंगी दैट फीड ऑन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स इन डीकम्पोज बोलते हैं ठीक है द स्मॉल पीसेस ऑफ डेड प्लांट जो छोटे छोटे पीस जो स्क्विंजर्स के खाने के बाद जो छोटे अपशिस्ट पर मतलब इनके जो बचे खुचे जो जो छोटे छोटे जो पीस बच जाते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स के ओके इसको ए डकम्पोजर्स उन्हें फिनिश करते हैं और पूरी तरह से एनवायरमेंट को क्लीन करते हैं ठीक है दे ब्रेक डाउन द न्यूट्रंस प्रजेंट इन डिकेइंग मैटर इन टू सिंपलर फॉर्म और ए जो इन सभी को ब्रेकडाउन करके तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल में क्या करते हैं न्यूट्रिएंट्स प्रदान करते हैं हमारे सॉइल को आ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन और जो इन पदार्थों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ता है ब्रेकडाउन करता है और डीके करने में मैटर के साथ डीके करने में इनकी मदद करता है ओके okay. सो so, जो मैटर्स छोटे छोटे फॉर्म में टूट जाते फिर हैं फिर मिट्टी में मिलके पूरी तरह उसमें ख़त्म हो जाते हैं और वे एक मैनुअर के रूप में चेंज हो जाते हैं उसे इस प्रोसेस को हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक्स अबाउट प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स एंड डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ द कंज्यूमर्स सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल थैंक यू एंड हैव नाइस डे